कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। वो क्या है जिंदगी के जिसमें आज़म न हो, हो कदर क्या फिर खुशी की जो गम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए। पछताया दिल को समझाया, वो क्या है जिंदगी के जिसमें आज़मू न हो, हो कदर क्या फिर खुशी की जो हम सहाना हो। मुझे कुछ करना है, मुझे बेहतर बनना है अपने लिए, अपनों के लिए। मैंने कब परेशान किया, बल्कि ये समझ लो कि ये दुश्मन के ठिकाने में दाखिल होने के बराबर है। मैं तुम्हें वहां की हर खबर दूंगी कैसा। मुझे शुक्रिया कहने के बजाय तुमने मुंह बना लिया है, मुझसे बात तो करो। मैं तुम्हें एक मिसाल देकर समझाता हूं। समझो तुम्हें एक जख्म हो गया है और उससे खून निकलना बंद हो जाता है और तुम्हें लगता है कि वो ठीक हो रहा है, बस एक छोटा सा निशान रह जाता है और तुम्हें लगता है कि अब इसका क्या किया जा सकता है। हाँ? हाँ। कुछ दिन बाद कोई अजीब सा शख्स आता है और बगैर किसी वजह के तुम्हारे जख्म को कुरेदने लग जाता है और वहां से दोबारा खून निकल आए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, बताओगी मुझे। वो ऐसा क्यों करेगा, तुम क्या बात कर रहे हो, बहुत ही फजूल बात की है। सोचो अगर मैं जख्म पर मरहम रख दूं तो बोलो कैसा रहेगा। मेरे हाथ पे एक जख्म का निशान है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। चला गया। देखो अगर मैं अपना हाथ ना हटाऊं तो तुम्हें ये नजर नहीं आएगा। सोच बदलो, हर चीज को अलग तरह देखो। पेंग जिया साहिबा, आप इस मसले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं आखिर, तुम्हें क्या मिल रहा है इससे। बात यह है कि हमेशा एक मकसद होता है। आओ जरा बैठो यहाँ। मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। दरअसल देखो, जल्दी मैं अमेरिका चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं अकेले दादी को बुला सकूंगी। अगर तुम और गांजिंग मेरे साथ आओगे तो बताओ कि इसमें मेरा फायदा नहीं है। हाँ बोलो, सच कहा ना। बात तो वैसे पता है की है। अच्छा मुझे तुमसे एक और बात करनी है। चलो तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम क्या समझे मैंने माफ कर दिया। चलो निकलो, जाते क्यों नहीं।
पीछे मारना चाहते हो? मार दूंगा। छोड़ूंगा तुम्हारा। क्या चल रहा है? झगड़ा? तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो? ये बेहतर रहेगा, लो लड़ो। जैसे ही मैं कहूंगा 1 2 3 4 तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाओगे। जो नहीं लड़ेगा डरपोक कहलाएगा, बाकी सब लोग पीछे हो जाएं वरना खून से कपड़े गंदे हो जाएंगे। तैयार 1 2 3 4 1 2 3 4 अरे लड़ क्यों नहीं रहे तुम? डरपोक को नीचे रखो इन्हें। तुम लोगों को लड़ने का बहुत शौक है ना? एक बात समझ लो, उस दरवाजे से लेकर उस पिछले दरवाजे तक ये सारा का सारा एरिया मेरा है, इसलिए अगर यहां किसी ने लड़ने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरे साथ आओ जरा, इधर आओ। अभी ठंडा करता हूं। नहीं नहीं शेफ, चलो। लड़ाई की वजह क्या थी? पता नहीं। मैं सबसे लड़ाई की वजह पूछ रहा हूं शेफ। असल में हुआ ये कि दगाव को छुरी चाहिए थी, मैंने छुरी शाओ वांग को दे दी। जब उसने छुरी वापस की तो उस पर निशान था, जिस पर ये भाई गुस्सा हो गए और दोनों लड़ने लगे। बस इतनी सी बात थी। तुम्हें लगता है कि ये छोटा मसला है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने इजाजत दी दूसरों की छुरियों को हाथ लगाने की? तुम्हें ये छोटा मसला लगता है? हाँ, तुम जानते हो छुरी क्या होती है शेफ के लिए? मैं बताता हूँ क्या होती है, छुरी जिंदगी होती है शेफ की। मुझे माफ कीजिएगा, गलती मेरी है। तो इसका मतलब यह है कि इस झगड़े की जड़ तुम थे? हाँ हाँ, आप ये कह सकते हैं। क्या मतलब मैं कह सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैं ठंडा होने चला जाता हूँ। दरवाजा बंद कर दें। आप सब देख रहे हैं मैंने इनके साथ क्या किया है। काम पे लग जाओ, चलो जल्दी आओ, काम शुरू करो जल्दी। चलो शेफ लो, क्या तुमने वाकई इनको बर्फ खाने में बंद किया हुआ है? आपको इससे मतलब? हाँ, मेरे साथ इसका ताल्लुक है। क्या ये तुम्हारे लिए एक मामूली सजा है? मगर ये शख्सी आजादी पर हमले के मुतरादिफ है, समझे? तुम्हें नहीं पता इससे कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जो गलती करेगा सजा तो मिलेगी, क्या उनकी जगह सजा आपको दे दे? क्यों हंस रहे हो? हाँ कौन सा? काम करो अपना। मैंने तुम सबसे कहा काम करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। आपका यूं किचन में आना और मेरे सामने मेरे शख्स को ऊंची आवाज में लेक्चर देने की कोशिश करना, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपके घर जाकर आपके बेटे को आपकी बीवी के सामने बाप बनकर लेक्चर दूं? आपको क्या लगता है ये मुनासिब होगा? मुझे बातें सुना रहे हो? तुम क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बीवी और आपका बेटा बिल्कुल मासूम है ना, तो अब से आप मेरे लड़कों का ख्याल करें, मैं आपके लड़के का ख्याल करता हूँ, कैसा?
अच्छा तो हमारे मैनेजर साहब यहाँ हैं, इन्हें डर लग रहा है कि उन लड़कों का क्या होगा जिन्हें हमने बंद किया है, जाकर दरवाजा खोल दो। ठीक है, जल्दी करो। देख, ये होता है सच्चा प्यार। सब गौर से सुन ले, आज के बाद इस किचन में चाहे आप एक दूसरे से इख्तलाफ करें या बहस करें, लेकिन आप सब एक दूसरे का अपने घर वालों की तरह ख्याल रखेंगे। जब आप काम करें तो भूल जाएं कि आपका सुपरवाइजर कौन है। जरूरी ये है कि आप कुकिंग को एंजॉय करें। समझ गए सब? समझ गए। काम करें। बॉस, यहाँ अंदर आ जाओ। मैंने डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा कर दिया है। इतनी जल्दी? जी बिल्कुल, अंग्रेजी में मेरी महारत बहुत बढ़ चुकी है, ये तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी चाइनीज अभी लिखने में थोड़ी कमजोर है। मुझे बहुत ही गौर और फिक्र के साथ देख देख के सब कुछ लिखना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा हो जिससे मैं जबानी तर्जुमा करके बताती जाऊँ और वो साथ साथ उसे लिखता जाए, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मेरी असिस्टेंट के लिए मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, ये जरा अजीब तो है, चले रहने दे। जया, तुम्हारे डैड ने तुम्हें चाइनीज नहीं सिखाई? जब वो काम करके थके हारे घर आते थे तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती थी, और क्या पता था कि एक दिन वो घर ही वापस नहीं आएंगे। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। पहले मैं खुद तर्जुमा किया करती थी, लेकिन अब ये काम तुम करोगी, और जब तुम तर्जुमा किया करोगी तो इसी दौरान मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज सिखा दूंगी, और जब तुम वापस जाओगी तो ये चीज तुम्हारे काम आएगी। सही है। मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो, मैं हूँ। क्या पेंग जी इस वक्त तुम्हारे साथ है? हाँ है। अच्छा, उसे पता ना चले कि मैंने कॉल की है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि उसने कोई मसला वगैरह तो नहीं किया? नहीं, सब ठीक है। दरअसल मसला यह है कि उसे अपनी माँ के बारे में पता चल गया है, इसलिए जरा उसका मूड खराब है। चेहरे से तो कुछ नहीं लग रहा, वो तो नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, बस तुम उसे मत बताना ये। हाँ, अगर जहाँ कोई मसला करे या तुम्हें तंग करे तो उसे मेरे पास भिजवा देना प्लीज। शुक्रिया। आपके लिए कुछ सामान आया है, आपका दस्तखत चाहिए? ठीक है। अच्छा जिया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तुम कितने प्यारे हो। प्यारा है ये कितना अच्छा प्यारा है। तुम कितने प्यारे हो। आप है मिस गांजिंग? जी मैं हूँ। ये आपके लिए है मैडम, यहाँ दस्तखत कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बाय बाय, खुदा हाफिज। चले सब अपनी सीट पर जाइए। तुम एक फूल हो, और जिस तरह पत्ते फूल की हिफाजत करते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं।
अरे ये क्या, इस पर लॉक क्यों है? जरा देखो तो यहाँ पर क्या है। मेरे खुदा, इतनी कीमती चूड़ियां। बुलाया मुझे शेफ लू। जी। देखो तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन हमें कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मेरा मतलब है कि असल में बात यह है कि मैं बाहर के लिए काम करना चाहता हूँ और तुम अंदर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कस्टमर से झगड़ा किया, इस वजह से आप कह रहे हैं? झगड़े तो यहाँ पे होते ही रहते हैं। बात यह है कि तुम्हें याद है उस दिन उस लड़की ने जो उधम मचाया था? फिर तो तुम्हें यह भी जरूर याद होगा, उसने कहा था कि तुम जायका नहीं चख सकते। आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए प्लीज। तुम जानते हो कि यह एक बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं यहां नौकरी पर हूं और मेरा काम है अपने मालिक को आगाह करना। लेकिन तुम्हें पता भी है कि इस रेस्टोरेंट में किस किस किस्म के लोग आते हैं। लेकिन तुम एक बात नहीं जानते, अगर ये किसी को पता चल गया तो शायद हमें अदालत जाना पड़े। अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो कह दीजिए, ओके? देखो, एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर मैं तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो और अपना काम करो। मगर इस बात का ख्याल रखना, दोबारा किसी से लड़ना मत। अपना चाकू किचन में ही रखा करो, कभी अपनी गलती भी तस्लीम करो। देखो मेरी नीयत तुम्हारे लिए खराब नहीं है, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, कभी तुम भी दे दिया करो। इस तरह हम दोनों की नौकरी बची रहेगी। वैसे जो यहाँ के ओनर हैं, वो यहाँ नजर क्यों नहीं आते? उनसे मिलना मुश्किल है या वो अपाहिज हैं या कोई और मसला है? क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? ना मिलो तो बेहतर है। लड़ो मुझसे। फर्स्ट ब्लड, ट्रिपल किल, क्वाड्रुकिल, पेंटाकिल, एस। हेलो, तुम मसरूफ तो नहीं हो? क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया है? मैं रोज तुम्हें कुछ भेजना चाहता हूँ। ये सारे गिफ्ट्स मैंने अपने हाथों से पैक किए, तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद आएगी। हे, सुनो, क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तक बच्चों जैसी हरकतें करते हो। अमीर लोगों का यही मसला है। तुम कौन हो? पेंग चाहा। मैं गांजिंग की नई असिस्टेंट हूँ, वो क्या कहते हैं, उनके सारे कामों की देखभाल करने वाली। मैंने ठीक कहा ना? क्यों? आज के बाद अगर उनसे बात करनी है तो तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी, समझे? अच्छा, तो अब तुम उसके लिए काम करती हो, ये बात उसने मुझे नहीं बताई। क्या बकवास है, वैसे वो दोनों डेट पर गए हुए हैं, लेकिन क्या ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी? अरे ये मैंने क्यों कहा? अरे नहीं, परेशान मत होना। दरअसल जब से तुम यहाँ से गए हो गांजिंग, तब से बिल्कुल अकेली ही रही है।
लुयान ने कितनी बार उसे अपने साथ खाने पर और मूवीज पर ले जाने की कोशिश की मगर वो जाती ही नहीं। परेशान मत होना, वो ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ। जिया हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम कहती हो तो मिलकर बात कर लेते हैं, हो सकता है कि तुम मुझे बेहतर समझा सको। हमारी उम्र में 12 साल का फर्क है, बात करने के लिए है ही क्या? तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं भला क्यों तुम्हें रिश्वत दूंगा? क्या तुम वाकई नहीं देना चाहते? जरूर कर सकता हूँ। तो क्या कोशिश भी नहीं करोगे? तुम ये तो नहीं सोच रही कि गांजिंग को इस बात का पता चल जाएगा और वो कुछ बुरा सोचेगी? मेरी हालत देखो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना मेरे माँ बाप है ना कोई और ना ही पैसे हैं। सोचो अगर तुम होते तो तुम क्या सोचते मेरे बारे में? अच्छा तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सीधी सी बात है, दरअसल आजकल मेरी हालत कुछ ठीक नहीं और पैसे भी कम है, तो मुझे खर्चे के लिए पैसे क्यों नहीं देते? हाँ बोलो। इस तरह मैं तुम्हारी खुफिया एजेंट बन जाऊंगी और हमारा रابطہ भी रहेगा, क्या ये ठीक नहीं? बोलो। चलो ठीक है। ओके। क्या बात है मेरी। आपने बुलाया? मुझे एक बात बताओ, इस रेस्टोरेंट का ओनर कौन है, जानते हो तुम? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। तुम तो यहाँ काफी अरसे से हो, फिर भी नहीं देखा उसे? हाँ मैंने सुना है उसके काफी सारे कारोबार हैं, वो अपने कामों में मसरूफ रहता है, यहाँ कभी नहीं आया। ठीक है जाओ। अच्छा तो मैं काम करने जा सकता हूँ? ये क्या कर रही हो? आंटी कांचिंग, अब ये मत कहिएगा कि ये आपके पेडिक्योर के लिए है, मैं तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये बहुत कीमती है। ये चाकू बॉब क्रामर का शाहकार है ना? ये आपका है या फिर लुयान का है? ये तो बहुत महंगी होगी। ये उसी के हैं। उसके हैं? उसने ये किसी शर्त में जीती। हाँ ये तो डैड से सुना था, तो ये आपके पास कैसे? क्या ये उसने आपको दी? और फिर वो बगैर कुछ कहे पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा कि मुझे ये उसके लिए संभाल कर रखना चाहिए और जब मैं यहाँ आई तो साथ ले आई। लगता है वो अब भी आपके दिल में है, वरना आप इसको इतना संभाल के क्यों रखती ऑफिस में? दिन में एक दफा जरूर देखती होंगी आप इसे, उसकी याद में, सही कह रही हूँ ना? कितनी चालाक हो, बताने से भी नहीं समझोगी। हाँ शायद, पर मैं बच्ची नहीं। और हाँ, हाकुन की कॉल आई थी, मैंने फोन उठा लिया और आपकी तरफ से मैंने उनसे बात कर ली। वो बता रहे थे कि आपके लिए कोई तोहफा भेजा है। एक बात तो है, वो काफी अच्छे हैं, देखे ना, अमीर हैं और देखने में भी अच्छे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उनको पता है मोहब्बत कैसे करते हैं। लुयान को भूलकर आपने अच्छा ही किया। कहीं मेरे और हाकुन के बारे में तुमने लुयान से कोई बात तो नहीं की? मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो पहले ही बहुत परेशान है। सुबह को निकलता है, शाम को देर तक बाहर, और फिर रात में घर आता है। अकेला रहने के लिए बाहर भी चले जाता है और देर तक बाहर रहता है। मुझे तो अब उस पर तरस आने लगा है। दिखने में कुछ खास नहीं, ना कद है ना हैंडसम है, लेकिन अच्छी शख्सियत का मालिक है और खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाता है। वैसे उसका दिल आप पर आया कैसे? वैसे अगर यही चलता रहा तो एक दिन कहीं ऐसा ना हो। एक दिन क्या?
मैनिक डिप्रेशन? डिप्रेशन कैसा? आप तो जानती हैं कि ऐसा ही होता है, कहीं वो खुद को मार ही ना डाले। You know, he'll kill himself. और हाँ, अब एक नया मसला खड़ा हो गया है। वो अक्सर किचन में डैड से बातें करता है, मेरे डैड से। और वो कभी खुद से बात करते हैं, कभी डैड बन गए। क्या लगता है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं? दुख होता है। पहले तो वो पीकर अपने आप को संभाल दिया करता था, लेकिन अब तो आपको पता है उसने पीना भी छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी होगी। ऐसा ही रहा तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मेरे डैड तो चले गए, कहीं ये भी ये सब मेरी वजह से तो नहीं? आपको क्या लगता है, जिस तरह की मेरी जिंदगी है, मेरी ही वजह से ये सब है? ऐसा हरगिज नहीं। इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जो भी है, मगर एक बात तो सच है, हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। God help me. अब मुझसे कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। चलो, बहुत हो गया, मुझे काफी काम करना है। मैं नहीं चाहती मुझे सिर्फ बातें करने की तनख्वाह मिले। हाथ कैसा है तुम्हारा? हाँ, ठीक है यार, वो छुरी ठीक नहीं थी इसलिए हाथ कट गया। क्या मैं नई छुरी इस्तेमाल नहीं कर सकता? तुम्हारे लेवल के बंदे को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो हथियार भी अच्छे होने चाहिए। अगर तेज धार छुरी हो तो तुम अपनी उंगली महफूज रख सकोगे, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। अब ऐसे मत कहो। अच्छा सुनो ना, जब तनख्वाह मिलेगी तो नई छुरी खरीदते हैं। अच्छा चाकू अच्छी तनख्वाह वाले लेते हैं, तुम ये नहीं कर सकोगे। तुम्हें पता है कि अच्छी छुरियों की कीमत क्या है? हजारों डॉलर्स में। मैं तो कहता हूं एक आम सी छुरी ले लो और उसको अच्छी तरह तेज कर लो। वैसे शेफ की छुरी की क्या कीमत होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि उसने वो किसी मुकाबले में जीती है, और सुना है कि वो दुनिया के बेहतरीन कारीगर ने बनाई थी, मुकम्मल तौर पर हाथ से बनी हुई, एक महीने में एक आर्ट का बेहतरीन नमूना। हाँ। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूं, तुम उसकी बीवी को छेड़ लो मगर उसकी छुरियों को हाथ लगाया तो कीमा बना देगा। बेहतरीन छुरियों का सेट एक अच्छे शेफ की जिंदगी होता है। मुझे देखनी है। और अगर तुम बाज ना आए तो? क्या हो गया तुम्हें? बस देखूंगा मैं। मुझे भरोसा नहीं।
अच्छा ना, हम दोस्त हैं ना, चलो दिखाओ मुझे। सिर्फ एक दफा देखूंगा बस, प्लीज। बस एक नजर? हाँ हाँ, बस एक नजर, आराम से। कैसी लगी? जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा चलो बस हो गया। अरे मुझे देख लो, मुझे दे दो। अच्छा सुनो, तुमने कहा कि शेफ ने ये किसी मुकाबले में जीती, क्या तुम जानते हो? हाँ। कैसा मुकाबला था? उसने बताया कि कुछ रशियन रूलेट की तरह था। उन्होंने लॉबस्टर के पंजों को खुला छोड़ दिया और बारी बारी हाथ पानी में डालने लगे कि देखें कौन बदकिस्मत है। ये तो जीत गया, मगर दूसरे बंदे की उंगलियां गायब। बड़ी महारत चाहिए। सुनो, इन छुरियों को मुझसे महफूज रखना, ऐसा ना हो कहीं हाथ साफ कर दूं इन पे। बस ख्वाहिश ही रखो। क्या बेवकूफ मत बनो, तुम उसके साथ शर्त लगाओगे? सोचना भी मत, वो उस काम का माहिर है। सही से रखना, गायब ना हो जाए। चलो दूर हटो। नो नो नो, मनी हियर। फ्लैश, हाली मादा, फुल हाउस। नो, नॉट अगेन मैन, अगेन। डैम इट, ओह अगेन। Lou, you still got money? I don't think so. I think you're gonna be dancing on the bar tonight, Motif. I want to see Welcome you here, to the baby, stage, coming Mr. on Lou, the stage. Yeah! Shank the booty, okay, man! What kind of a gang? Where's your money? You got the money? Stop up your ass! Come on! Booty! Come on, boys. Last one. What's that mean? No. Apna haath dao par mat. You want to bet your hand? I'm not going to take your hand, you dumbass. What I'm going to do with your hand? Keep me company tonight? What do you want to do? What do you want to do? Not my problem. Not your problem, it's my problem. Because I need you to cook for me, man. Come on, put your hand away. Okay, but no poker. No poker? No poker. What's your idea? Okay, what's your idea? Oh no. What are you doing? What are you thinking, man? What's your idea? No way. No way. What are you doing? Oh, shit. Hold longest wins. Okay? You're crazy. You're dumbass. What are you doing? मैं समझाता हूँ. What are you talking about, man? I need this money and your knife. Knife? Okay. देखो तुम कागज मत बनो. Crazy. रहने दो. छोड़ो. Okay. Fine. You go first. Your idea. I? Chef? Yes. Go ahead. Are you sure? I'm sure. Go ahead. Is this problem? That's enough. You win. Take my money. That's enough. यकीनन कुछ कहना चाहते होगे। मैं उस लड़की की बात करूंगा जिसने रेस्टोरेंट में तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था। किसकी बात कर रहे हो? मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। उस दिन उसकी सालगिरह थी। मैंने देखा है कि तुम अपने प्यार के अलावा कभी किसी के साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ रहे।
उसकी सालगिरह मनाई। तुम भी अजीब हो वैसे मेरे भाई। बस कोई था नहीं उस लड़की के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला, तो मैंने सोचा मैं ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ। नहीं करनी चाहिए थी क्या? तुम दूसरों को तो समझा सकते हो लेकिन खुद को नहीं। मुझे तुम दोनों की जोड़ी ठीक लगती है। हर वक्त गैंजिंग के बारे में मत सोचो, किसी और को भी तो मौका दो। मेरे ख्याल में तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो, जब दो एक साथ बैठकर पीने की महफिल जमाएंगे। क्या गोश्त भी कभी छुरी को काट सकता है? बिल्कुल नहीं। वो छुरियां कहाँ हैं जो अमेरिका में जीती? घूम गई। चाकू एक अच्छे शेफ की जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी कहाँ हो गई? बताया ना, बार बार मत पूछो। सुनो, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? पूछो। वैसे भी तुम एक भूत हो, सब कुछ ही कर सकते हो। क्या तुम मुस्तकबिल में जाके ये देखकर बता सकते हो कि मुझे खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं? जैसे मिसाल के तौर पर गांजेंग। किसने कहा कि मैं भूत हूं? ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। फिर क्या होता हूं? मैं तुम्हारी सोच हूं। हाँ, मैं पहले से जानता हूं। वैसे तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें तसव्वुर करता हूं? तो इसका मतलब मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, एक सवाल है। जब से हम मिले थे और तुम्हारे आखिरी वक्त तक, मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को छुपा के रखा हुआ मुझसे? डरा दिया मुझे। तुम यहाँ कब आई? बस थोड़ी देर पहले। तुम किससे बातें कर रहे थे? अगर मैं कहूँ एक भूत से तो मानोगी? क्यों नहीं, डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी तरह होना चाहती हूँ, जो उनसे बात कर सकता है, जिसे हर कोई नहीं देख सकता। किस तरह करते हो, सिखाओ मुझे। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। वो शख्स मेरे तसव्वुर में रहता है, या हो सकता है दिमागी बीमारी हो, जो मैं खुद से बात करता रहता हूं। तन्हा रहने वाले ही तो अपने आप से बातें करते हैं। क्या तुम्हें मुझ पे रहम आ रहा? रहम नहीं, तुम तो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हो ना। सच्चे आर्टिस्ट तो होते ही पागल हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं, तो इसका मतलब है कि उन सब पागलपन वाली बातों की वजह से जो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं, तुम्हें आगे भी समझने में आसानी होगी। क्या तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो? हाँ, यही समझ लो। मुझे खुशी हुई। अगर तुम ये ना कहते तो मैं तुम्हें ये ना दिखाती। सोलिंग ट्विन 1731। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये अजीम शाहकार मशहूर अतालवी डिजाइनर ने बनाया है, और देखो इस पर खास तौर पर तुम्हारा नाम भी लिखा है। ऐसा शाहकार तुम्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। कैसा लगा? और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इस जैसा कोई और भी होगा। शायद। तो पसंद आया? बहुत। ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। तो ठीक है, इस पर तुम्हारा नाम है और किसी और को देना ठीक नहीं, फेंक देती हूँ। रुको रुको, अगर फेंकनी ही है तो फिर यहीं फेंक दो। थैंक यू। औजार शेफ की जान होते हैं, तो अब तुम्हारी जान मेरी है, याद रखना। चलो, अब मेरे लिए कुछ बना, तो मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ख्याल में इस वक्त मीठा खाना ज्यादा बेहतर रहेगा। निकल जाओ मेरे घर से।
निकल जाओ मेरे घर से। क्या हुआ? अरे दादी वो मेरी बॉस है, मुझे घर छोड़ने आई थी। बॉस नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं। नहीं है मैं जैसे मेरे घर में आने की, मैं कह रही हूँ तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अरे अरे छोड़ो, धक्के देकर निकाल दूंगी। और आइंदा आइंदा मैं बता रही हूँ, रुक मत कर। अरे मुझे माफ कीजिएगा कांजी आंटी। चुप करो। अच्छा जहा, अरे जहा तुम्हें पता है यहाँ ये क्यों आई थी? खराब औरत है ये, तुम इसको बिल्कुल नहीं जानती। इसने देख लिया अपनी आंखों से कि हमारे हालात अच्छे हो गए, इसलिए फौरन चली आई। अरे नहीं मक्कार। अच्छा ठीक है बिल्कुल। अच्छा मैं उसे जाकर कहती हूँ कि आइंदा मत आना, मुझे पहले बाहर तो जाने दीजिए। अच्छा, आप अंदर जाइए। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगी कि आइंदा मत आए। जल्दी आओ। हाँ हाँ आंटी गांजिंग। हाँ आंटी गांजिंग, मुझे माफ कीजिए आंटी गांजिंग, मुझे वाकई माफ कीजिए, मेरी दादी बहुत बुरी है। माफ करती हूँ, लेकिन लगता है कि वो तुम्हारी माँ से काफी नफरत करती हैं। शायद वो औरत इसी लायक है। दरअसल मुझे उन्हें देखकर काफी दुख होता है। आंटी देखें, दादी बहुत बूढ़ी हैं, हमें नहीं पता उनके पास अब कितना वक्त बाकी रह गया है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जब वो इस दुनिया से चली जाएं तो उन्हें ये इत्मीनान हो कि उनका खानदान अब मुकम्मल हो चुका है। आंटी क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? आप और लुयोन एक हो जाएं दादी को दिखाने के लिए, ताकि उनको लगे उनका खानदान अब खुश है। क्या आप दादी के लिए इतना कर सकती हैं? करेंगी? ये सिर्फ दादी के लिए है, या तुम भी ये चाहती हो कि हम दोनों साथ हो जाएं? क्या मैं नहीं चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या ये आपका आइडिया नहीं था मुझे घर छोड़ने का? क्या आप यहाँ पर आकर लुयोन को देखना नहीं चाहती थी? नहीं इनकार मत करें, मैं देख सकती हूँ। वो मुझे बस उसकी थोड़ी फिक्र हो रही थी। आपको किस बात की फिक्र है? डिप्रेशन की? इसमें फिक्र की क्या बात है, बल्कि आपको तो उसका ख्याल रखना चाहिए। जाने तब से दिल खो गया है, कहाँ हम है यहाँ, दिल है कहाँ, कैसी है ये मेरी दास्तां। बसती तो हो मेरे दिल में तुम पहले से मेरी जान, पर अब बसेगा एक जहां, तुम्हें ले जाएंगे हम तारों के ऐसे जहां, बस तुम हो जहां और हम हो जहां, ऐसा एक जहां हम तुम हो जहां। बस ये ही सदा, अब हम दोनों हो ना कभी जुदा, रूह निकल जाएगी इस बदन से, अगर तुम हो जाओ मुझसे खफा। सोचो मैं तो रहती हो तुम पहले से मेरी जान, अब हो नजरों के दरमियान, तुम्हें ले जाएंगे हम तारों के ऐसे जहां, बस तुम हो जहां और हम हो जहां, ऐसा एक जहां हम तुम हो जहां। बस तुम हो जहां और हम हो जहां, ऐसा एक जहां।
तुम हो जहां।